मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने जर्नल के रिगार्डिंग वर्टिकल पार्ट टू पढ़ा था कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जर्नल, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, तो व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड ऑफ जर्नलाइजिंग. देन नाउ आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन टू द जर्नल. ई जर्नल में रिकॉर्ड करने के रूल्स क्या होते हैं, मीन्स रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. यानी डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करने के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं. इन रूल्स को हम दो मेथड में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट होता है ट्रेडिशनल रूल्स और एक सेकंड होता है मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न रूल्स. तो आज हम ट्रेडिशनल जो टर्म्स हैं उन पे कर रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स होते हैं, यानी डबल एंट्री सिस्टम में जो अकाउंट्स होते हैं वो दो नेचर के होते हैं. फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट और सेकंड होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट मीन्स जो पर्सनल नहीं है, जो किसी पर्सन या किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड नहीं है. और पर्सनल अकाउंट मीन्स जो रिलेटेड है किसी पर्सन से. फिर हम पर्सनल अकाउंट जो क्रेडिट इम्पर्सनल अकाउंट है इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर ले रहे हैं. एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट. ये हमारा क्लासिफिकेशन है किसका, अकाउंट्स का, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. There are two types of account, personal and impersonal. Impersonal further subdivided into two type of accounts, real account and nominal account. जो personal account होते हैं वो related होते हैं किसी person से, name of any person, bank, क्योंकि bank भी एक तरीके से artificial person की तरीके से ही treat किया जाता है, और company or any firm. यानी अगर किसी ट्रांजेक्शन में अगर हम कहें किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, किसी बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, किसी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है या फर्म का इन्वॉल्वमेंट है, तो दिस ट्रांजेक्शन बिलोंग्स टू पर्सनल अकाउंट, वो पर्सनल अकाउंट में काउंट किया जाता है. अब इसको भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर ले रहे हैं. फर्स्ट है हमारा, अगर हम कहें तो फर्स्ट जो है वो है आर्टिफिशियल पर्सनल नेचुरल पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसमें सिर्फ नेम ऑफ पर्सन यानी जो लाइव पर्सन होते हैं वो ही यहाँ पे काउंट किए जाते हैं. तो आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कंपनी है, बैंक है, इनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होता. जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, ये जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा ट्रांजेक्शन में वो किसमें आएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा. जो सेकेंड होता है वो होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन जो इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड नहीं है, इक्विवेलेंट टू पर्सन है, लाइक बैंक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है. आप ये सब पढ़ रहे होंगे, आर्टिफिशियल जो आइडेंटिटी होती है. कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन होती है. इसके अलावा फर्म भी हमारा आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आता है. तो यानी ये आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं. अगर किसी ट्रांजेक्शन में किसी बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, फर्म का इन्वॉल्वमेंट है, तो किसमें काउंट किया जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन में काउंट किया जाएगा. इसी के अलावा एक थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, जो किसी पर्सन या किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, होते नहीं पर रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है, इसके ओनर को. कैपिटल कौन लगा रहा है, ओनर लगा रहा है, तो कैपिटल बिलोंग्स टू ओनर्स ओनली. इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको बिलोंग करेगी, ये उस एम्प्लॉय को करेगी जो सैलरी देना बाकी है जिस पर्सन को. तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये हमारी कहलाती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ठीक है, तो मींस पर्सनल अकाउंट में किस चीज का इन्वॉल्वमेंट होगा. पर्सनल अकाउंट में नेम ऑफ पर्सन आती है, बैंक, ये सारी चीजें, कंपनी, फर्म, ये सब पर्सनल अकाउंट के पार्ट होते हैं. अगर इनको सब डिवाइड कर लें तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसमें सिर्फ नेम ऑफ पर्सन यानी जो इंडिविजुअल पर्सन है वो काउंट किए जाएंगे.
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में बैंक, कंपनी और फर्म, ये सारी चीजें काउंट की जाएंगी, क्योंकि इनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती, ये लाइव चीजें पर्सन नहीं होते। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जिनमें कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, हमने श्याम से गुड्स परचेज किया, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल हो गया, यानी वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। हम डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश डिपोजिट किया, बैंक आ गया, यानी आर्टिफिशियल पर्सनल का ये अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो यानी कैपिटल लगाई हमने, कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है ओनर को, तो यानी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। अब पर्सनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं, अगर हम रूल के ऊपर जाएं तो रूल ये होता है, डेबिट द रिसीवर, यानी रिसीव करने वाला पर्सन हमेशा डेबिट होता है, और क्रेडिट द गिवर, और देने वाला पर्सन हमेशा क्रेडिट होता है। मींस जो भी पर्सन अमाउंट रिसीव करेगा वो कौन होगा, वो रिसीवर होगा, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, और जो पर्सन अमाउंट या जो भी गुड्स वगैरह सर्विसेज पे कर रहा होगा, प्रोवाइड कर रहा होगा, वो पर्सन क्रेडिट होगा। मींस डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये रूल किस चीज का है, पर्सनल अकाउंट का ये रूल है, ठीक है। अब रियल अकाउंट देखिए, इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहली कैटेगरी क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इसमें वो असेट्स काउंट की जाती है। टेंजिबल जो रियल अकाउंट होते हैं किसमें काउंट होते हैं, ये असेट्स, गुड्स, इन चीजों से रिलेटेड, अगर किसी ट्रांजेक्शन में किसी असेट्स का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो वो रियल अकाउंट का एग्जांपल होते हैं, ठीक है। और कैश, ये सारी चीजें हमारे रियल अकाउंट में आती हैं। सब कैटेगरी है टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ये आप पढ़ चुके हैं सेकेंड अपने चैप्टर में। टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम सेल परचेज कर सकते हैं। जैसे परचेज ए मशीनरी, मशीनरी क्या है, हमारे लिए असेट्स है, तो मींस ये रियल अकाउंट का एग्जांपल है। सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स सेल किया, गुड्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, रियल एग्जांपल, रियल उसका अकाउंट है। इसके अलावा पेड सोल्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग सेल की, असेट सेल हुई, इसका एग्जांपल है। रूल क्या होता है इसका, अगर रूल देखें तो इसका रूल होता है डेबिट What comes in, यानी आने वाली चीज हमेशा डेबिट होती है, और क्रेडिट what goes out, यानी जाने वाली चीज हमेशा क्रेडिट होती है, यानी जो चीज हमारे पास आएगी रियल के अकॉर्डिंग वो डेबिट होगी, और जो चीज हमारे पास से जाएगी वो चीज क्रेडिट होगी। तो ये रूल होता है हमारे रियल अकाउंट का। अब नॉमिनल आता है, नॉमिनल किस चीज से डिड होते हैं, ये एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस, इनसे रिलेटेड होते हैं। यानी अगर किसी ट्रांजेक्शन में हमें कोई इनकम अर्न हो रही है या हमें कोई लॉस हो रहा है, हमें कोई एक्सपेंस कर रही है, तो वो किससे रिलेटेड होगा, वो रिलेटेड होगा हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। मीन्स अगर किसी ट्रांजेक्शन में आपने कोई भी खर्चा किया है, कोई भी आपको इनकम अर्न हुई है, तो वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट मानी जाएगी। लाइक पेड सैलरी टू स्टाफ, हमने स्टाफ को सैलरी पे की, वो नॉमिनल अकाउंट में आएगी। रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से कमीशन रिसीव हुआ, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होती है। अब इसका रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस हैं वो सभी हमारे डेबिट होते हैं, और क्रेडिट क्या होगा, अपोजिट कर लो, क्रेडिट और इनकम और गेन और प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट या गेन हो रहा है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्रेडिट साइड में होता है, यानी इनकम क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी जर्नल एंट्री के, और एक्सपेंसेस डेबिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, और इसके लिए हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पर्सनल में है, कौन सा रियल में है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। ये है हमारा रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में आपको पुराने वाले वीडियो में बता चुका हूं, जो आपको मैंने बताई थी, इंक्रीज इन असेट्स, डेबिट,
डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, इंक्रीज ऑफ एक्सपेंसेस डेबिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो मॉडर्न अप्रोच कहलाती है। वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो टी शेप अकाउंट वाला वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें ये मैंने मॉडर्न अप्रोच को एक्सप्लेन किया था, और आज के वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। तो ये जर्नल एंट्री को सॉल्व करने के लिए, जर्नल एंट्री करने के लिए आपको इन रूल्स एंड रेगुलेशन का आना बहुत जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट इफ यू वॉन्ट टू मेंटेन जर्नल बुक प्रॉपरली। तो ये मैं आज की वीडियो में आपको केवल इतना ही बता रहा हूं, फर्दर वीडियो में मैं आपको इस तरीके कुछ एग्जाम्पल स्टेशन बताऊंगा। थैंक यू।